Hello girls, today we will be dealing with figure of speech. हर सेंटेंस में जो भी हम पढ़ते हैं ग्रामर रिलेटेड तो होता है, लेकिन यहाँ पे ये एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो एक पोएटिक इफ़ेक्ट बनाया जाता है, पोएम के जो वर्ड्स है उनको यूज़ करके एक उसमें हाईलाइट करके एक तरीका बनाया जाता है जिससे पोएम में ज़्यादा जान आती है, पोएम में एक हमको समझने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जो फिगर ऑफ स्पीच है अलग अलग तरह के होते हैं, अलग तरह से पोएट एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को। तो मेटाफर क्या है? इन मेटाफर कंपैरिजन इज हिडिंग इन सिमिलैरिटीज बिटवीन टू आइडियाज़, इट डायरेक्टली रेफर्स टू वन थिंग बाय मैंशनिंग द अदर। यहाँ पे दो चीज़ की सिमिलैरिटी को दिखाया जाता है, एक को दूसरे से डायरेक्टली। जो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में मतलब ये ऐसा सेंटेंस रहता है जिसमें एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरे से रिलेट करके बता देते, कंपैरिजन करके बताते हैं। हम यहाँ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका को क्या कहा गया है? अमेरिका इज़ अ मेल्टिंग पॉट। सी यहाँ पे सिमिलैरिटी बताई गई अमेरिका और मेल्टिंग पॉट से लेके। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, वर्ल्ड को क्या दिखा रहे हैं? एक स्टेज की तरह कंपेयर करके बता रहे हैं। लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, डायरेक्टली रेफर कर रहे हैं कि लाइफ क्या है भाई, घूमती जाती है आगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो लाइफ को क्या कह दिया है? रोलर कोस्टर। कैमल इज शीप ऑफ द डेजर्ट, डायरेक्टली कैमल को क्या कह दिया यहाँ पे? शिप ऑफ द डेजर्ट। सना इज़ प्रिंसेस ऑफ द फैमिली, मैंने सना को क्या बना दिया? प्रिंसेस। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? डायरेक्टली कंपेयर करके बता दे रही हूँ कि ये ऐसा है। हर स्माइल इज फ्लावर, ही इज़ अ फॉक्स। माय फ्रेंड इज़ अ स्नेल, मैंने फ्रेंड को क्या बना दिया? स्नेल बना दिया। उस लड़के को क्या बना दिया? फॉक्स बना दिया। उसकी स्माइल को फ्लावर से कंपेयर कर दिया। तो मेटाफर में क्या हो रहा है? डायरेक्ट कंपेरिजन हो रहा है दो चीज़ों के बीच में, कि किसी एक कोई भी चीज़ को रिलेट करके उससे कंपेयर करके उसको शो करे। द कर्नल इज़ अ लायन। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस है, ये मेटाफर के है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये है, गर्ल्स ये ट्वेल्थ पॉइंट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ये ट्वेल्थ में भी आपको सेंटेंसेस पूछे जाते हैं पोएम के, और कई बार उनका फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है या सेंटेंसेस दे के उस फिगर ऑफ स्पीच को मेंशन करना होता है। तो ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट मोर फिगर ऑफ स्पीच ऑन और योर ओन यूजिंग योर पोएम्स इन द टेक्स्ट बुक और एनी अदर बुक विच यू वुड लाइक टू रेफर। अब दूसरा है फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। सिमिली में क्या होता है? सिमिली इज़ अ कंपेरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, उसमें लाइक या एज वर्ड का यूज़ करते हैं। ये वर्ड यूज़ करके उसको कंपेयर करते हैं दो अलग अलग चीज़ों को। यहाँ ऊपर जैसे डायरेक्टली कंपेयर हुआ था मेटाफर में, सिमिली में लाइक या एज करके कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और समझेगा। कालिदास वॉज लाइक शेक्सपियर अ ग्रेट पोएट, कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर किया लाइक लिख के। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ ग्रेट लीडर लाइक महात्मा गांधी, डायरेक्ट कंपेरिजन किया लाइक वर्ड यूज करके। सोहन इज लाइक द सन ऑफ द फैमिली, सोहन को किससे? सन से कंपेयर कर लिया। राधा इज एज कूल एज आइस, राधा को कैसे? आइस से कंपेयर किया। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया? एज। कैमल इज लाइक शिप ऑफ द डेजर्ट, देखो मेटाफर में हमने क्या बोला था? कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट, डायरेक्टली बोल दिया था। डिफरेंस समझे? यहाँ पे लाइक यूज करके कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसलिए ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बना? सिमिली। और ये बना था मेटाफर। ये है अंतर दोनों का। इसमें जो सिमिली में है वो लाइक या एज वर्ड का यूसेज किया जाता है। मर्सी इज लाइक रेन ऑफ हेवन, मर्सी को किससे कंपेयर किया? रेन ऑफ हेवन। माय फ्रेंड इज स्नो एज अ स्नेल, फ्रेंड को किससे कंपेयर किया? स्नेल से। एज स्लो एज स्नेल, एज स्लो एज इज एज स्लो एज स्नेल, यहाँ पे एज लिखा है, ठीक है। ही इज एज कनिंग एज फॉक्स, ही इज एज कनिंग एज फॉक्स। अंदर देखिए सिमिली में एज लिखा है,
मेटाफॉर में हमने डायरेक्ट लिया था ही इज अ फॉक्स, डायरेक्टली उसको फॉक्स बोल दिया था, ही इज अ फॉक्स। और यहाँ पे क्या बोल दिया, ही इज अ स्नेक एज कनिंग एज फॉक्स। यहाँ पे बोला था डायरेक्टली फ्रेंड को स्नेल बोलता, माय फ्रेंड इज अ स्नेल। स्नेल क्यों बोला, क्योंकि वो धीरे चलता है, तो डायरेक्टली फ्रेंड को स्नेल बोल दिया। यहाँ पे और समझा के हमने क्या बोल दिया, माय फ्रेंड इज एज स्लो एज स्नेल। सो व्हेन वी यूज एज लाइक वर्ड करके जब हम कंपैरिजन शो कर रहे हैं, दैट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड सिमिली। सो टुडे वी हैव डन टू फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर एंड सिमिली, एंड दीज आर द सेंटेंसेज रिलेटेड टू इट। आई वुड लाइक ऑल द गर्ल्स टू कॉपी देम इन योर नोटबुक्स एंड फाइंड आउट सम मोर ऑन योर ओन। आपकी टेक्स्ट बुक के पेजेस भी रेफर कर सकते हैं, पेज नंबर 48 पर भी दिया हुआ है, आप रेफर कर सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।